गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8। सब्जेक्ट है हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा 8। देखिए चैप्टर 8 का ये पार्ट 4 है जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। क्या लिखा है, एक टेलीविज़न का मूल्य कितना है? 13,000 है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को ख़रीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है कि इस जो टीवी है, टेलीविज़न है, इसका मूल्य 13,000 रुपये है और इस पर 12% टैक्स लिया जाता है। तो हमें मूल्य निकालना है कि जो कौन है, विनोद है, उसको कितने रुपए देने होंगे, किसको, शॉपकीपर को, उस टीवी को लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं माना नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रय मूल्य है और जो हमें दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर कितना है, रुपीज़ 13,000 और बिक्री कर की दर कितनी है, 12%। आप क्या करेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर ₹100। अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, निकाल लीजिए। तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस 12, क्योंकि 12% का निकालेंगे तो कितना हो गया, 112। जब क्रय मूल्य बराबर ₹1, देखिए यहाँ भी ₹ का साइन लगा लीजिएगा, तब विक्रय मूल्य बराबर, बताइए क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, जब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 13,000, तब विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 00 से 00 हमने यहाँ कट कर दी और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 14,560। ठीक है, 14,560। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः उसके द्वारा, किसके द्वारा, विनोद के द्वारा, अतः विनोद के द्वारा भुगतान की गई राशि बराबर कितनी है, ₹14,560। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अरुण एक जोड़ी स्केट्स, सभी लोग जानते हैं क्या होते हैं, स्केट्स
किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बट्टा यानी लॉस, कहीं पर सेल लगी थी। सेल जब लगती है तो हमें तो लगता है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो बेचता है उसका लॉस होता है, इसलिए बट्टा। कहीं पर सेल लगी थी जहाँ पर 20% की, जहाँ से जो अरुण है वो क्या खरीद कर लाया, स्केट्स। तो हमें बताना है कि अगर वो सेल नहीं होती तो जो स्केट्स से जो अरुण खरीद कर लेकर आया है उनका मूल्य क्या होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपये, ₹16, ठीक है। और बट्टे की दर कितनी है, 20%, यही है। चलिए क्या लिखेंगे, माना विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपीस, तब क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 100 प्लस 20, क्योंकि 20% का निकालेंगे तो कितना आया हमारा, 120। जब विक्रय मूल्य बराबर ₹1, तब क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, देखिए बताइए, 100 अपॉन 4। देखिए यहाँ पे हमने छोटी सी गलती कर दी। क्या गलती करी, पहली बात तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो 20% है वो लॉस है, जैसे मैंने आपको बताया बट्टा यानी लॉस है, तो ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ठीक है। तो दोबारा से कर दें हम इस क्वेश्चन को यहाँ से, क्या माना अंकित मूल्य बराबर, देखिए अंकित मूल्य कितना, 100 रुपीस, तब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20। 100 में से 20 माइनस क्यों करें, क्योंकि 20% लॉस है, तो हमारा आ गया 80 रुपीस, ठीक है। जब विक्रय मूल्य ₹1, तब जब हम क्या हो जाएगा, हमारा अंकित मूल्य 80 क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य 100/80, ठीक है। अब जब विक्रय मूल्य बराबर 1600 रुपये, तब अंकित मूल्य बराबर 100 upon 80 into 10 से 10, 8 to the 16, 20 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 कितना आया, 2000। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः स्केट्स का
अंकित मूल्य कितना होगा? 2000 रुपये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। मैंने एक हेयर ड्रायर 80% वैट सहित कितने रुपए में ख़रीदा? 5400 रुपये में ख़रीदा। वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई सामान है जिस पे वैट यानी कर लगा हुआ है कितना परसेंट? 8%। और उसके जो मूल्य है ख़रीदने का वो कितना है? 5400। तो हमें क्या निकालना है? उसका मूल्य निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 10, क्रय मूल्य कितना है? 5400। और वैट की दर कितनी है? 8%। निकालना क्या है हमें? वैट से पहले का मूल्य। ठीक है, माना वैट से पहले का मूल्य कितना है? 100 मान लिया। ठीक है, कितना मान लिया? 100। तो हम लिख सकते हैं तब वैट के सही मूल्य कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 100 + 8 = 108। जब वैट से पहले का मूल्य बराबर ₹1 हो तब वैट के सहित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 100/108। जब वैट से पहले का मूल्य बराबर 5400 रुपीज़ का साइन, तब वैट के सहित मूल्य कितना हो जाएगा? 100/108 × 5400। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आएगा हमारा। इसे डिवाइड कर दीजिए, 108 से डिवाइड कीजिए 5400। फाइव से डिवाइड कर देते हैं, 8 × 5 = 40। तो 0 4 यहाँ गया, 4 हमने ऐसे लिखा गया, और 5 × 1 = 5। देखिए 5 पे कंप्लीट जा रहा है ये, और 10 बच रही है, तो 10 हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो 50 × 100 तो कितना आ गया हमारा? 5000। तो क्या लिख सकते हैं हम? वैट को जोड़ने से पहले जो हमारा ड्रायर हेयर ड्रायर है उसका मूल्य क्या होगा? लिखिए, वैट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य
बराबर रुपीज़ 5000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप लोग करेंगे। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करना है, इजी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, ये एक्सरसाइज हमारी यही ख़त्म होती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5, वो हम एग्ज़ाम के बाद करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।